तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट नेबर, और नेबर से मेरा मतलब है पड़ोसी। एंड थैंक्स टू द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कि पड़ोसी अच्छे हों या बुरे, लेकिन हम सभी के पास पड़ोसी ज़रूर होते हैं। पड़ोसी बेसिकली हमारे ही बिल्डिंग, अपार्टमेंट या कॉलोनी के आसपास रहने वाले लोग होते हैं। अगर आपके नेबर अच्छे हैं तो आप काफ़ी लकी हैं, क्योंकि आपको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आपके पड़ोसी आपको करते हैं परेशान और आप उनसे परेशान होकर सोच रहे हैं कि ऐसे पड़ोसी के साथ रहने से तो अच्छा है हम अपना घर ही शिफ्ट कर दें, तो ज़रा रुकिए, आपको घर शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरा यह वीडियो देखने के बाद आप जान जाएंगे कि आपको कैसे अपने पड़ोसी से बचना है, कैसे उसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करनी है। साथ ही मैं आपको कंप्लेंट फाइल करने का ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपकी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं होगी। सो हेलो एवरीवन, लॉ बाय एके के आज के सेशन में मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त अमन। इस चैनल पर आपको मिलने वाली लॉ से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस चैनल पर बातें तो कम है लेकिन जानकारी में दम है। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे रीजंस के बारे में जो कि दो पड़ोसी के बीच विवाद का आम कारण होते हैं। सबसे पहला, अक्सर लड़ाई झगड़ा या गाली गलौज। दूसरा, आपकी पार्किंग स्पेस में अपनी गाड़ी खड़ी करना। तीसरा, अपने घर के कंस्ट्रक्शन के समय आपकी प्रॉपर्टी को या तो नुकसान पहुंचाना या गंदा करना। चौथा, आपकी प्रॉपर्टी में बिना पूछे एंटर करना। और पाँचवा, लाउड म्यूजिक बजाना। अक्सर ऐसी चीज़ों के पीछे दो पड़ोसियों के बीच लड़ाई होती ही रहती है, और ऐसा होने पर आप हमेशा पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस आती भी है लेकिन आप दोनों को समझाकर चली जाती है और आपको प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो ऐसे में क्या करेंगे आप? देखिए, पुलिस के पास डेली ऐसे हजारों कॉल जाते हैं। अब पुलिस हर किसी को तो पकड़ के अरेस्ट कर नहीं सकती है, इसीलिए पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा आप दोनों के बीच सुलह कराकर चली जाएगी। तो क्या पुलिस को कंप्लेंट करना बेकार है? जी नहीं, आपको कंप्लेंट तो पुलिस को ही करनी है, लेकिन कैसे करनी है और ऐसे कंप्लेंट कैसे करें जो कि पुलिस आपकी कंप्लेंट पर तुरंत कार्रवाई करे, ये मैं आपको आज बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज, आपको हवा में तीर मारने से अच्छा तीर निशाना लगा के मारना है, बेशक इसमें थोड़ा समय ही क्यों ना लग जाए। मेरा ये बताने का यह मतलब है कि आपको सिर्फ पुलिस को कॉल करके कंप्लेंट फाइल करने से ज़्यादा अच्छा अपना वक्त लेकर वाजिब सबूत इकट्ठा करने हैं, और सबूत के लिए बेस्ट होता है वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटोज़। आप सभी के पास फ़ोन होते हैं, कैमराज होते हैं, आप उन सारी हरकतों की वीडियोज़ बनाइए या फ़ोटोज़ खींचिए जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, और ऐसा करने पर आपके पास वह सारे वाजिब सबूत इकट्ठा होंगे जो कल को कंप्लेंट के साथ अटैच होने पर आपकी कंप्लेंट को और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। अब मानते हैं आपने सभी वाजिब सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। सबूत इकट्ठा करने के बाद आपको ईमेल के थ्रू एक कंप्लेंट भेजनी है अपने जुरिस्डिक्शन में पड़ने वाले पुलिस स्टेशन के एसएचओ को। एसएचओ का ईमेल आपको इजीली गूगल पर मिल जाएगा। यह पूरी लिस्ट होगी जो कि आपके स्टेट के अंदर पड़ने वाले सभी पुलिस स्टेशन के एसएचओ का मेल आपको बताएगी। आपको वह लिस्ट डाउनलोड करनी है अपने पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से, और अपने एरिया के पुलिस स्टेशन के एसएचओ को मेल के थ्रू अपनी कंप्लेंट बताते हुए साथ में अपने वाजिब सबूत, जो भी वीडियो या फोटोग्राफ्स आपने कैप्चर करे हैं, उन्हें अटैच कर भेज देना है। ऐसा करने के बाद आपको दूसरा स्टेप जो लेना है, वो सेम जो आपने मेल में जैसे कंप्लेंट बताई, आपने वह सारे वाजिब रीज़न बताए कि क्यों मैं अपने पड़ोसी से दुखी हूँ और आपका पड़ोसी आपके साथ क्या करता है, इसी चीज़ को सिंपली आपको एक ब्लैंक पेपर पर लिखना है। सबूत यानी कि फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा अगर आपका मन है तो आप कंप्लेंट के साथ अटैच कीजिए, और स्पीड पोस्ट के थ्रू, जी हाँ स्पीड पोस्ट के थ्रू उसी सेम पुलिस स्टेशन को भेज दीजिए। ऐसा करने पर आपके पास दो सबूत और इकट्ठा हो जाएंगे। दो सबूत क्या होंगे? पहला कि आपने मेल भेजा, वह मेल आपके पास सेव हो जाएगा, और मेल एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। दूसरा कि आपके पास पोस्ट ऑफिस की रिसीविंग स्लिप आ जाएगी। जब आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू एक स्पीड पोस्ट भेजेंगे तो पोस्ट ऑफिस वाले आपको एक रिसीविंग स्लिप प्रोवाइड कराएंगे। वह स्लिप या वह रिसीट आपके आगे जाके काफ़ी काम आने वाली है, क्योंकि यह एक वाजिब सबूत है कि आपने पहले ही अपने पड़ोसी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करा दी है। अब जो कंप्लेंट आपने मेल के थ्रू और स्पीड पोस्ट के थ्रू पुलिस स्टेशन में भेजी है, उसी सेम कंप्लेंट की दो फोटोकॉपीज आपको निकलवानी है, और उनको लेकर जाना है अपने एरिया के नियरेस्ट SDM के पास। SDM यानी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट,
आप गूगल पर सर्च करेंगे कि आपके एरिया का SDM कौन है, तो आपको नियरेस्ट SDM ऑफिस एड्रेस मिल जाएगा, वहाँ पे आप जा सकते हैं और अपनी कंप्लेंट सबमिट करा सकते हैं। साथ ही आपको दो फोटोकॉपीज लेके जानी है, एक तो SDM ऑफिस में सबमिट हो जाएगी और दूसरी के ऊपर आपको रिसीविंग यानी SDM के सिग्नेचर ले लेने हैं और वापस आ जाना है। अब आपने अपनी कंप्लेंट तीन रास्तों से पुलिस के पास और SDM के पास सबमिट करा दी है, तो ऐसा करने पर SDM खुद आपकी कंप्लेंट का कॉग्निजेंस लेंगे और उस कंप्लेंट को पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड कर देंगे। आपकी कंप्लेंट तीन जगह से पहुंची है तो आपकी कंप्लेंट की कार्रवाई सबसे पहले होगी और 100% SDM ऑर्डर देकर आपकी कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई कराएंगे। साथ ही अगर आप चाहें कि आपकी कंप्लेंट के अंदर आपका नाम डिस्क्लोज ना हो तो आप अपना नाम अपनी कंप्लेंट के अंदर हटा सकते हैं, उसे उसकी जगह आप अनोनिमस लिख दीजिए या नाम डालिए ही मत, सिर्फ अपनी कंप्लेंट डालिए, अपना एड्रेस डालिए और नीचे क्लॉज में मेंशन कर दीजिए कि मुझे अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना, लेकिन आप अपना फ़ोन नंबर ज़रूर डालें ताकि अथॉरिटीज़ आपसे कॉल करके आपकी कंप्लेंट की वेरिफिकेशन कर सके। अब मानते हैं कि आपका नेबर कोई कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, अब वह कंस्ट्रक्शन लीगल भी है लेकिन उस कंस्ट्रक्शन के चलते आपकी प्रॉपर्टी को या तो कोई नुकसान हो रहा है या फिर आपको कोई डैमेज हो रहा है, तो ऐसे में अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं या SDM के पास कंप्लेंट कराते हैं तो आपको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता है और ना ही कंपनसेशन मिलता है। कई मामलों में यह देखा जाता है कि कंप्लेंट के डर से पड़ोसी आपको कंपनसेट यानी कि आपके नुकसान की भरपाई करने के लिए एग्री हो जाते हैं, लेकिन अगर वे ऐसा नहीं करते तो आपको उनके ऊपर सिविल सूट यानी कि कोर्ट में जाकर केस फाइल करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 425 IPC। सेक्शन 425 IPC बेसिकली यह बताता है कि अगर आपका पड़ोसी कोई ऐसा एक्ट करता है जिसके बारे में उसे पता है कि अगर मैं यह करूँगा तो मेरे पड़ोसी को नुकसान पहुँचेगा, लेकिन मैं ये जानते हुए भी वो उस एक्ट को करता है, तो ऐसे में वह आपको कंपनसेशन देने के लिए यानी कि आपके नुकसान की भरपाई करने के लिए लायबल हो जाता है। अब मानते हैं कि आपका पड़ोसी बिना आपकी परमिशन के किसी बैड इंटेंशन से आपकी प्रॉपर्टी में एंटर होता है, तो ऐसे में आप उसके ऊपर केस डाल सकते हैं सेक्शन 441 के अंडर क्रिमिनल ट्रेसपास का। क्रिमिनल ट्रेसपास का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति बिना आपकी परमिशन के आपकी प्रॉपर्टी में एंटर होता है, आपको उकसाने, आपको हार्म करने, आपको इंसल्ट करने या फिर आपको परेशान करने के इंटेंशन से, तो वह इस सेक्शन के अंदर लायबल है और ऐसे में उसके ऊपर 3 महीने की सज़ा या 500 रुपये जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है। यह एक इलीगल एक्ट है और ऐसा करने पर आपके नेबर को पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो दोस्तों एक बात आप मेरी ध्यान में रखिए कि अगर आप अपने पड़ोसी के ऊपर केस फाइल करने जा रहे हो तो उससे पहले एक एडवोकेट हायर करके अपने पड़ोसी को एक नोटिस भेजिए। नोटिस से मेरा मतलब है लीगल नोटिस, और आप उन्हें ये बताइए कि आप उनके ऊपर इन कारणों की वजह से केस फाइल करने जा रहे हैं। 80% ऑफ चांसेस में यह देखा जाता है कि लीगल नोटिस मिलने के बाद पड़ोसी खुद से ही या तो सेटलमेंट कर लेते हैं या आपको परेशान करना बंद कर देते हैं, लेकिन अगर फिर भी ऐसा नहीं होता तो आप अपने एडवोकेट के थ्रू कोर्ट में जाकर केस फाइल ज़रूर करें। अगर आप फाइनेंशियल रीज़न की वजह से एक वकील को हायर नहीं कर सकते हैं तो मैंने पहले ही इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप पहले मेरा यह वीडियो जाके देखिए और इसमें मैंने तरीके बताए हुए हैं कि आप कैसे फ्री एडवोकेट हायर कर सकते हैं और इसका पूरा खर्चा गवर्नमेंट देगी। तो जल्दी से जाके मेरी यह वीडियो चेक कीजिए और आपको पता लग जाएगा कि आपको फ्री एडवोकेट कैसे लेना है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले मेरे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो थैंक यू, आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए।